22 तारीख को हमारे अपने मजलिस के निवासी कटनी जिले के अंदर ग्राम हरदुआ थाना विजय राघवगढ़ के निवासी थे प्रदीप पटेल जी अपने साथियों के साथ सेना की ड्यूटी में वाहन से जाने के समय लगभग 700 फीट गहरी एक खाई में गिरे और दुर्भाग्य से सभी का देवलोकगमन हुआ। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार की ओर से बिल्कुल शोक की इस घड़ी में इनम श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और इसीलिए आज मैं स्वयं उपस्थित भी हुआ। स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी के अलावा साथ में मणिपुर के क्राफ्टमैन डब्ल्यू पीटर हरणाव के गुरुसेव सिंह, तमिलनाडु के सूबेदार के थलापट्टी, ये सभी लोग एक साथ ही थे। दुर्भाग्य से इस घटना में कोई नहीं बचा। स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी अपने परिवार के इकलौता बेटा हैं। दोनों बहन की शादी हो चुकी, जो बड़ी बहन है घर पे सिर्फ माता पिता है जो खेती मजदूरी करते हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारे मधेश के बेटे ने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी है। इस शोक की घड़ी में सेना और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, वो अपने विभाग से व्यवस्था से जो शासन हमारे शासन के माध्यम से होगा वो सब हमको मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हमने 1 करोड़ रुपये की धनराशि उनके माता पिता को भी होती, उनकी विवाह नहीं हुआ है। इसलिए जो हमारी पॉलिसी है उस अनुसार हम 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार को देते हैं। अगर विवाह हो गया, शादी हो गई, तो माता पिता और पत्नी में बराबरी से उस राशि को बांटते हैं, लेकिन इस प्रकरण में चूँकि शादी नहीं है तो सारी धनराशि उनके माता पिता को देंगे और जो बन सके हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भी हैं। व्यक्ति का जाना यह वास्तव में कष्टप्रद है। परमात्मा की लीला जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जन्म मृत्यु के क्रम में अपने देश की गली वेदी पे जो शहीद होते हैं उनकी एक अलग भूमिका रहती है, उनके अलग सम्मान के साथ देखा जाता है। दुनिया की सारी सेनाओं में भारतीय सेना का एक विशेष स्थान है और भारतवर्ष का भी विशेष महत्व है। सनातन संस्कृति में हम सब अपने इस सर्वोच्च राष्ट्र कार्य के लिए देह समर्पित कर रहे, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं होता है। यद्यपि जाने वाले के परिवार में हम सबको बाकी सबको पीड़ा भी होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में ये संभल भी जरूरी है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक बार फिर अपने इस लाडले सपूत की स्मृति में सरकार पूरे परिवार के साथ स्वर्गीय प्रदीप पटेल अमर रहे। बहुत धन्यवाद।